ओ हाँ, मेरी सारी मिठाई कलर से गंदी कर दी। अरे मेरी टॉवल किसने रंग बिरंगी कर दी? यार देखना इन आर्टिफिशियल कलर से तो मेरे पूरे फेस पे इचिंग होने लग गई। हैप्पी होली दोस्तों। होली के त्योहार में जितनी मजा और मस्ती होता है उतना हमें सजा भी मिलती है, क्योंकि हमारी स्किन और हमारे घर की एकदम वाट लग जाती है। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ ये आसान से होली हैक जिससे सारी सजा मजे में बदल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हैप्पी होली। टूथपिक जो हमारे घर में होता ही है, या आप इसे मार्केट में आसानी से 50 रुपए में ले सकते हैं। तो बस सारे टूथपिक को आप स्नैक्स में इस तरीके से लगा दें और बस अब इस स्नैक्स का मजा उठाएं बिना गंदे हाथ की परवाह किए। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा पहला हैक, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और ऐसे ही हैक पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। मुझे नहीं खेलनी होली। खोलो, अरे खोलो। नहीं मुझे नहीं खेलनी, सारा घर गंदा कर दोगे तुम, जाओ यहाँ से। अरे होली है, खोलो। होली नहीं रही है, चलो चलते हैं। चलो उठा रहे हैं। कलर को पहले झाड़ू से इकट्ठा कर लें। याद रखें कलर पे गीला कपड़ा बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि गीले कपड़े से कलर सारा फैल जाता है। ठीक इसी तरीके से फर्नीचर पे गिरे कलर को भी सूखे कपड़े से ही झाड़ें। और अब एक गिलास पानी लेकर इसमें एक बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर इसका घोल तैयार कर लें। और अब एक साफ कपड़े को इसके अंदर डालकर जहाँ जहाँ पे कलर लगा है उसे इससे साफ कर लें। इस घोल को आप जहाँ पर भी कलर लगा हुआ हो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे टाइल्स हो, फ्लोर हो, फर्नीचर हो या आपकी दीवारें। तो इस हैक से हो गई ना आपकी होली की सजा एकदम मजेदार। देखा ना, हो गया ना साफ। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हैक है। ओए मिली तुझे भांग? अरे मुझे नहीं मिला भांग। यार होली और भांग ना मिली तो फिर क्या मजा होली का? अरे तुम कहाँ भांग के नशे में पड़े हो, भाभी की ठंडाई में इतना नशा है ना भांग भूल जाओगे। चलो आ जाओ पीते हैं। इसके लिए लें दालचीनी, काली मिर्च और इलायची, इन सबको पीस लें। और ड्राई फ्रूट्स में लें बादाम, काजू, पिस्ता, मगज के दाने और खसखस। और इन सब ड्राई फ्रूट्स को 4 से 5 घंटे भिगोने के बाद पीस लें। और दूसरी तरफ दूध को खौला लें जब तक कि उसकी मात्रा आधी ना हो जाए। यहाँ पर अच्छे से कलर और फ्लेवर के लिए मैंने डाले केसर के दाने और मिठास के लिए चीनी। मिठास को आप अपने अनुसार रख लें। और बस अब इसमें पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स और मसालों को मिला लें अच्छे से। बीच बीच में इसे चलाते भी रहें ताकि दूध नीचे लगे ना। अब इसकी मात्रा आधे होते ही गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने रख दें। और ठंडा होने के बाद इस ठंडाई को सर्व करें। Thank you.
अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ तो घर में देखने को मिलती है, चाहे मियाँ बीवी के बीच में हो या दो भाई बहनों के बीच में। तो इसके लिए आप पहले से ही व्हाइट टॉवल ना रख के घर की कोई भी पुरानी डार्क टॉवल्स को बाथरूम में रख दें। और हाँ, होली खेलने से पहले ही अपने नए कपड़ों को वॉशरूम में रख दें, ताकि जब आप होली खेल के आए तो सीधा वॉशरूम में जाएं और पूरे घर को गंदा ना करें। दी हम जा रहे हैं होली खेलने। ये कैसे रेडी हो तुम? ये लो तेल लगाओ अपने सर पे और बॉडी पे, फिर होगी तुम होली खेलने के लिए रेडी। चलो जाओ लगा के आओ। और होली खेलने से पहले भी आप लोग अपने बालों में और स्किन में अच्छे से तेल लगा लें, जिससे कि बाद में कलर छूटने में आसानी हो। और ध्यान रखें कि कपड़े बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट ना हो और वो आपकी पूरी बॉडी को ढके हुए हों, जिससे कि रंग ना लगे। और अब होली में बनाते हैं ये मजेदार कलरफुल आइस क्यूब। इसमें एक गिलास पानी लें और उसमें लिक्विड फूड कलर डालकर अच्छे से मिला लें। जिस भी कलर की आपको आइस क्यूब बनानी है, वो सारे कलर्स लेके आप इस तरीके से तैयार कर लें। और बस अब इन्हें आइस क्यूब ट्रे में जमाने के लिए रख दें। और जमते ही आप देखेंगे दोस्तों की कितनी सुंदर और कलरफुल आइस क्यूब्स निकली हैं। और बस इन कलरफुल आइस को अब आप अपनी जो भी ड्रिंक्स है उसमें डाल के सर्व करें। यार देखना, इन आर्टिफिशियल कलर से तो मेरे पूरे फेस पे इचिंग होने लग गई। तो होली में मार्केट में बहुत से आर्टिफिशियल और केमिकल कलर मिलते हैं, जिससे हमारी स्किन में इरिटेशन होती है और स्किन के लिए वो हार्मफुल होते हैं। तो ऐसे में हम घर में ही ऑर्गेनिक कलर्स बना सकते हैं। और इसके लिए लें 2 बड़े चम्मच अरारोट यानी की कॉर्नफ्लावर, और उसमें डाले अब फूड कलर। यहाँ पे मुझे येलो कलर बनाना है तो मैंने येलो फूड कलर डाला है। फ्रेग्रेंस के लिए इसमें 2 से 3 बूंदे एसेंशियल ऑयल की डाल दें, ये एकदम ऑप्शनल है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे आपस में अच्छे से मिला लें। और अब बस इस पेस्ट को 2 से 3 घंटे धूप में सूखने रख दें। सूखने के बाद आप देखेंगे कि ये इस तरीके का बना है, तो इसे एक बार ही ग्राइंड कर लें और आपका ऑर्गेनिक होली कलर बन के तैयार है। और देखा ना, ये बिल्कुल घर का बना हुआ गुलाल लग रहा है, एकदम मार्केट जैसा, और वो भी ऑर्गेनिक। तो कैसे लगे हमारे मजेदार होली हैक्स? और इस होली आप इन हैक्स को जरूर फॉलो करना और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको कौन सा वाला हैक सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।